गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज का दिन है स्पेशल क्योंकि आज है गुरु नानक देव जयंती और मैं अभी बिल्कुल सोना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जाकर के आज मैं गुरुद्वारा विजिट करूँ क्योंकि साथ ही में हरजिंदर भैया रहते हैं जो कि ऑब्वियसली सिख है और वो जाएंगे गुरुद्वारा तो मैं भी जाऊँगा उनके साथ। अगर आपने नोटिस करी होगी मेरे ऊपर ये चीज़ पहले, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कड़ा एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ। बहुत पुराने समय से मैं पहनता आ रहा हूँ ये, अगर आप मुझे जानते होंगे बहुत पहले से। सिख धर्म कुछ ऐसा है मेरे लिए जैसे कि मेरी बॉन्डिंग बहुत रही है। मेरे बहुत सारे सिख फ्रेंड रहे हैं पूरी इंटायर दी लाइफ अभी तक थ्रू आउट, बिना लेट करते हुए उठते हैं और निकलते हैं। और नींद को भगाने का ना सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप जा ठंडा शावर ले लो सर्दियों के टाइम पे, तो नींद ऐसी चली जाएगी, आपकी बॉडी में रिलीफ इतना मिलेगा और ये उनके लिए भी बेस्ट है। हम सॉरी यार बार बार हिचके आ रहे हैं मुझे, लेकिन ये उनके लिए भी बेस्ट है जो एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी बॉडी पेन मसल पेन कुछ ऐसा हो रहा बॉडी में, तो जाके कोल्ड शावर दो यार, ऐसे बॉडी रीजनरेट हो जाएगी ना आपकी, मज़ा ही आ जाएगा। चलो बस चल के नहा लेते हैं और इसके बाद निकलते हैं फिर जल्दी से गुरुद्वारा। वो कर दिया लोग मैंने, निकलते हैं जल्दी से क्योंकि बाकी लोग पहुंच गए, जितने साथ के हरिंद्र भी आते ना वो भी पहुंच चुके हैं और बाकी लोग भी पहुंच चुके हैं, तो हम लोग भी निकलते हैं। सटा सा यार एक चीज़ रखना भूल गया था जल्दीबाजी में, वो था रुमाल या पढ़ना पुरना कुछ होना चाहिए ना सर पे ढकने के लिए। जैसे कि जूते चप्पल देने होते हैं गुरुद्वारे में, मुफ्ती सेवा होती है देखा, तो वही दे दिया अभी अंदर चलते। जैसे कि अगर आप गुरुद्वारे में पहले गए होंगे तो ऐसा हमेशा बना रहता है पैर धुलने के लिए। अभी अंदर गुरुद्वारे में तो होकर के हम लोग आगे मत्था टेक करके, और अभी जैसे भंडार नहीं लगा होता है भंडारे के लिए, वही भंडारे में बैठे हुए बस भंडारा थोड़ा सा सकेंगे। मैंने तो सुबह खा रखा था तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा, बाकी भैया लोग जितना खाएंगे उतना खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाहर से फिर निकाल देंगे। ऐसी सजावट हो रखी क्या हो रहा है। तो गुरुद्वारे से तो लंगर वगैरह सब कुछ हो चुका था, प्रसाद भी लास्ट में ले ही लिया, बाकी सब लोग अभी निकल रहे हैं पीछे। देखो बहुत सारे जाने पहचाने से चेहरे होंगे तुम्हारे, अगर तुम ब्लॉग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो। एलयू के कई बच्चे आ रखे थे मुझे लग रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के तीनों के आ रखे, तो लंगर में भी हेल्प कर रहे थे और बाकी सारी चीज़ों में भी, तो वो भी दिख रहे थे। बढ़िया है, यूथ इन्वॉल्व हो रहा है इन सब चीज़ों में। बाकी तो सारा कुछ कवर कर ही दिया मैंने, भंडारे का भी दिखा दिया था, मत्था टेका वहाँ भी दिखा दिया था, बाकी ये सब कुछ था नहीं, छोटा सा ही गुरुद्वारा है। इससे पहले एक बार मैं नानक मत्ता गया हुआ था, उस समय का ब्लॉग तो नहीं होगा ऑब्वियसली मेरे पास, हुए बहुत समय पहले मैं गया हुआ था, लेकिन वहाँ की जो प्रेमिसेस थी ना बहुत बड़ा था यार, मतलब बहुत बड़े एरिया में। अगर पीलीभीत के आसपास आप रह रहे हो तो नानक मत्ता ज़रूर घूम कर आइएगा, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बताइए जाएगा सीधे नेट पे? अरे बताइए, शादी के लिए बहुत बेचैन हो रहा है, कोई लड़की है जिन्हें पसंद आ रहे हो? और इन सब में से भी कोई पसंद आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सीधा बोलिए आरती जहाँ भी तुम हो नहीं ये पोल पट्टी खोल ले मैं तो डाल दूंगा ऐसी। आरती कौन है? जहाँ भी तुम हो अगर तुम सुन रही हो बोलिए आरती कुछ बोलना। अभी नाले में फंस जाती भाई, क्या समझ रही है ऐसी कर। अरे 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 धूम मचा दी भाई, पीछे चल रहे थे ताबड़ तोल चलान एकदम बीच रोड में, यार ट्रैफिक रोक के कोई साइन वाइन पे कोई बस्ती पे नहीं। आज मैं बता ही रहा था भैया लंबे चलान कट रहे 5-5-6-6 हज़ार रुपए के सीधा, सिर्फ हेलमेट हेलमेट पे कट रहे हैं यार। मतलब सही है, गलत तो कुछ नहीं है भाई, लगाना सीखा, लेकिन घर के पड़ोस में ही था ना जैसे, तो लगा के नहीं आया भाई सुमित भैया की खिंचाई हो रही है तगड़ी वाली शादी के नाम से, कह रहा था मैं लड़की लेके भाग जाऊंगा बस सब कुछ तो निपट गया, जा रहे हैं रूम पे, थोड़ी देर लेट जाएंगे नहीं तो काम कर लेंगे, वीडियो ये वाली एडिट कर लेंगे।
यार एडिटिंग तो सारी निपट गई है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ बनाने का कुछ मूड नहीं है, बहुत सारा काम कर लिया, थक सा गया हूँ। फिलहाल जाते हैं खाना खाने के लिए, खाते हैं वापस आते हैं। सुबह की तो उतनी ठंड नहीं है, पता नहीं सुबह मैं उतनी जल्दी उठता नहीं हूँ, लेकिन शाम की ठंड यहाँ पर लखनऊ में होने लगती है। पहले मैं टी शर्ट में आ रहा था, लेकिन टी शर्ट में आते आते ना दरवाजे से बाहर निकलते समझ में आ गया, तो भाई अपर डाल दो, नहीं तो फिर गेम हो सकता तुम्हारा। सर्दी की शुरुआत है, बीमार नहीं पड़ना चाहिए। खा लेते थाली में है यार, आज देखो दाल है यहाँ पर, है ये आलू और क्या लग रहा है, अरे ये न्यूट्रीला है शायद, हाँ न्यूट्रीला है, और उसके साथ सलाद और ये और रोटी, इधर बैंगन की सब्जी है, बस वही सब्जियों का चेंज है थोड़ा बहुत। यार आते टाइम यहाँ पे दिख गई थी ये चक्की, तो बस यही ले ली, ये वाली नहीं ली, ये वाली ली, कह रहे हैं ये वाली ज़्यादा टेस्टी है, बस अब लेके चलते हैं, खाते निकल चलते हैं सोने के लिए। देखो आज कौन आया हमारे घर के सामने,